हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौधरी शर्मा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड बेस्ट की पॉइंट्स फॉर स्कोरिंग 90+% इन योर बोर्ड एग्जाम। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स और कौन कौन सी ऐसी टिप्स को आप फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सिर्फ ये जो हमारे वीडियो में आपको पहले से बता देता हूं कि जो हमारे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पर आधारित है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज स्टूडेंट्स, आप हमारी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है ये वीडियो हमारे देखने के बाद। आपको मैं फुल एकदम से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अपने बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट से आपका सिलेबस प्रिंट आउट, बिल्कुल जैसे कि आप हमारे 10 पॉइंट्स हैं, इनको स्टूडेंट बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक, सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि भाई सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपका एक प्रिंट आउट होना चाहिए। प्रिंट आउट से स्टूडेंट ये हो जाता है कि उसमें सारे चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स लिखे रहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, मतलब ओवरऑल मतलब ए टू जेड सब कुछ वन टू लास्ट बिल्कुल होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पहले दिन से होना चाहिए। अगर आपके घर में प्रिंटर अवेलेबल है तो आप वहां से आप प्रिंट कर लीजिए या फिर आपके साइबर कैफे दुकान पर जाके आप प्रिंट आउट स्टूडेंट प्लीज आप निवेदन करता हूं सिलेबस का प्रिंट आउट आपके सारे सिलेबस का होना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स ये है कि जैसे कि आप जैसे हमारे 10 पॉइंट पर बहुत अच्छे से सुन लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक, तो पहला स्टूडेंट आप समझ लेंगे फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैं स्टूडेंट्स अपनी अदर वीडियोस में भी बताता हूं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। फिजिक्स देखिए, क्लास 12 जो फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम होता है वो स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर बनता है। वो इसलिए क्योंकि भाई टीचर्स के पास बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं और उन्हें एक लेवल भी देखना होता है कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में हमें स्टूडेंट इस सब्जेक्ट से इस प्रकार से पूछना है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट को आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, जो एनसीईआरटी बुक्स में टॉपिक्स दे रखे हैं उनको आप जो है अदर आप मतलब पढ़ सकते हैं। कोई दूसरी बुक आप जरूर प्रेफर करें, वो मैं मना आपसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके पास एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही आपको चलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर बता रहे फिजिक्स की बात कर ले तो मान लीजिए आपको गॉस लॉ पढ़ना है तो गॉस लॉ मान लीजिए आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा टब भी लिखा होता है उसमें, तो आप अदर बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जैसे गॉस लॉ आपने देख लिया तो आपको गॉस लॉ पढ़ लेना है अदर प्रेफरेंस बुक से, तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, बहुत अच्छे स्कोर आएंगे आपके। अब स्टूडेंट्स आपका आता है तीसरा नंबर पे, आपका गोल्स आपके क्या क्या होने चाहिए कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके जैसे कि आप अपने सिलेबस को ब्रेक कर सकते हैं या फिर कुछ गोल्स निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड में 2025 का क्वेश्चन अभी से ही एक आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूं कि गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन ये आपका आना ही आना है। तो आपके उस गोल्स में आप कुछ ऐसे गोल्स बना लीजिए जिसमें कि आपको क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो कि स्टूडेंट्स आग बन करके आते ही आते हैं। ठीक है, वो भी स्टूडेंट मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आपके कुछ गोल्स होने चाहिए, कुछ आपके सेटअप्स होने चाहिए कि इसमें कि आप थोड़ा थोड़ा करके उनको क्या कर सके स्टूडेंट्स अपने बहुत अच्छे से अपने गोल्स को फॉलो कर सके। तो आप सिलेबस को ब्रेक भी कर सकते हैं कि हमें आज का गोल या फिर आप 15 दिन का अपना गोल रख लीजिए, जैसा आप जिस प्रकार से ये आप स्टूडेंट सेट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारा बात आती है देखिए पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। देखिए जो पीवाईक्यू स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं, कोई कोई स्टूडेंट 1990 का है मतलब जो भी है, तो स्टूडेंट्स इतना कोई जरूरत नहीं। आप अगर पीवाईक्यू खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करें, मैंने अगर आपको मेंशन कर रखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज पीवाई को खरीदें, जैसे कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस वाला है तो उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है, ये तो फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स और मैंने आपको ये भी स्टूडेंट बताया हुआ है कि प्रीवियस ईयर पे आपको बिल्कुल भी कतई डिपेंड नहीं रहना है। ठीक, आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है कि मतलब अगर हम 10 साल 20 साल के पेपर करके चले जाएंगे तो स्टूडेंट्स हमें बहुत फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स आप ये इस भूल में ना रहे, मैं निवेदन करता हूं आपसे आप हाँ बिल्कुल पढ़ें, आप प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो सकती है लेकिन आप इसके ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स आप हमेशा से आप सीखते हुए आए हैं कि कभी भी किसी के ऊपर भी प्रॉपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपकी खुद भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स आता है पांचवा पॉइंट जो कि मैं स्टूडेंट्स अपने तरीके से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपके खुद के प्रॉपर नोट्स एंड रिप्रेजेंटेशन स्किल्स। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई अपने प्रॉपर नोट्स की और रिप्रेजेंटेशन स्किल की। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जैसे आपको क्या करना है, अपने खुद के मेरे भाई प्रॉपर नोट्स बनाने, चैप्टर वन से लेकर आपके जो चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आपका जो आखिरी चैप्टर है जो 14 आपका सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, ये आपके चैप्टर वन से लेकर लास्ट तक होने चाहिए। इसमें आपका स्टूडेंट सब कुछ मौजूद होना चाहिए, न्यूमेरिकल है या फिर
जो डायमेंशन है, मतलब सब कुछ ओवरऑल जो मैंने आपको बता रखा है, तो चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 14। और हाँ, ये हम आपको खुद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि और जो आपके नोट्स है वो आपके खुद के हैंडराइटिंग में होने चाहिए, सेल्फ राइट, आपने खुद मेहनत करके आप बनाएंगे। और जो आपका जो टाइम टेबल से कि लोग कहते हैं अभी तो एक साल है, भाई एक साल नहीं होता है कोई क्लास में, अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 months होते हैं 300 दिन के आसपास, ठीक है, 300 डेज आपके पास होते हैं। और ये 300 डेज जो है 300 दिन कब 3 दिन में बदल जाते हैं ये भी पता नहीं लगता है, और कब ऐसा दिन आ जाता है कि मेरे भाई हम क्या कहते हैं, अरे कल तो मेरा फिजिक्स का एग्जाम है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, इन सब अफवाहों से दूर रहें। आपको हमेशा स्टूडेंट एक टारगेट ध्यान रखना है कि हमारे पास 300 दिन है, और जो स्टूडेंट ये मान के तैयारी कर रहे हैं कि हमारे पास 365 दिन है, तो उनसे कहो तुम सपने ही देखो, तुम ला चुके नंबर, ठीक। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास 300 दिन है और ये आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। और आप मैंने आपसे पहले कह रखा है कि अपने खुद के प्रॉपर नोट्स बनाए, क्यों, क्योंकि जब हम अपने खुद के प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, आप स्टूडेंट हमेशा देखिएगा कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से आप नोट्स मांगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा वो स्टूडेंट पढ़ते हुए, क्योंकि हमें हमेशा अपनी लिखाई से प्यार होता है, हम हमेशा अपनी लिखाई, अगर हम लोगों के पास अपने खुद के नोट्स बनाए तो उसको पढ़ने में स्टूडेंट बहुत मजा आता है। ये आप चाहे खुद करके देख लीजिएगा, दूसरों के नोट से आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप हमेशा स्टूडेंट, मैं निवेदन करता हूं, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पहले दिन से अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। और रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि बहुत सारे मैंने देखी है वीडियो स्टूडेंट, तो सब लोग मतलब ये कहते थे भाई प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने, वो तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ प्रॉपर नोट्स आपको स्टूडेंट्स ऐसे बनाने, जैसे कि मान लीजिए आपने गॉस लॉ ही लिखा हुआ है, तो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाना है अपनी कॉपी में कि जो आपने रिप्रेजेंट अपनी कॉपी में किया है उसी को आप अपने बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, कि आप ऐसे अपने नोट्स बनाएंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ आप बना भी ले नोट्स, आपकी कॉपी भी तैयार हो जाए, प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाए, और यही प्रॉपर नोट्स आप अपनी भाषा में जाके क्या कर सके, पेपर में लिख सके। और रिप्रेजेंटेशन स्किल पे स्टूडेंट मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि आपको हमेशा से स्टूडेंट्स आपका जो आखिरी आपका वेपन जिसे कहते हैं हथियार जिसे हम कहते हैं, वो ये दो ही होते हैं, एक आपके प्रॉपर नोट्स आपने कैसे नोट्स बनाए, एक आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल्स आपको बहुत शुद्ध भाषा में समझा दे लिखने का तरीका, क्योंकि जो आपके टीचर एग्जामिनर है वो स्टूडेंट्स आपको नहीं जानता है कि हम इस स्कूल के बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं, हम इस स्कूल के बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हैं, उसे स्टूडेंट से कुछ नहीं पता है, वो आपके किससे प्रभावित हो सकता है, वो आपके रिप्रेजेंटेशन स्किल से प्रभावित हो सकता है। आपने जो एग्जाम है वो स्टूडेंट्स आपको बोर्ड एग्जाम या पेंसिल से डायग्राम्स बनाने, सबको लेमिनेशन करना है, वो सब आ जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन का सीधा मतलब है कि जितना आप लिखेंगे मेरे भाई उतना ही आप बेहतर बनेंगे। तो जो आप याद करें या जो प्रॉपर नोट्स हैं उनको स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा लिख के भी देखते रहें, जिससे कि आपका थोड़ा हाथ भी सेट रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात हम आपको अभी बता दें, अगर आप 100 चीजें पढ़ के जाएंगे तो ही आप 80 चीजें या 70 चीजें या 60 चीजें लिख पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज याद कर लेते हैं और वही आपको जिंदगी भर याद रहती है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है। तो आप अगर 10 चीजें अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आप 6 या 7 ही उसमें से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप रिप्रेजेंटेशन स्किल पर अपना ध्यान दें। और हाँ, ये वाला भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट नॉट ओनली पीसीएम। कहने का मतलब ये कि लोग पीसीएम या फिर पीसीबी पे ही यहां पर बायो भी कर दें, लोग यही कहते रहते हैं कि भाई देखो सबसे पहला तो ये है भाई कि अब तुम अगर मैथ या बायो लेगो तो तुम पहले से चौड़े हो, ठीक है। तो भाई अगर तुम कहोगे किसी से भी पीसीएम ले तो वो खुद ही तुम्हें होशियार मानेगा, चलो वो दूसरी बात है, लेकिन हाँ जो पीसीएम और पीसीबी पे आप पूरा फोकस ना करें। हमने ये देखा है स्टूडेंट्स को ज्यादातर कि लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अपना पूरा साल स्टूडेंट निकाल देते हैं, तीनों भाई मेरे इसी पे ही फोकस करते रहते हैं। और जो आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं, हमें से बात करना है मेरे भाई इंग्लिश है, मेरे बात हिंदी है, सीएस है, ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, और हम आपको एक बात बता दें, क्लास 12th की हिंदी और क्लास 12th की इंग्लिश तो बेटा इतनी अच्छी है ना, इतने अच्छे अच्छे उसमें टॉपिक्स हैं, मतलब आप अगर समरी बहुत अच्छे से पढ़ लेते ना, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, बहुत आपको मजा आने वाला है। और जो सीएस ये सब बेटा मेरे भाई ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपके घर पे अगर स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई कहता हो, जैसे कि अगर आपके मम्मी ऐसे पढ़ी लिखी है ज्यादा, तो ठीक है, तो वो लोग जैसे ये कहते हैं कि अपने इंग्लिश हिंदी पे ज्यादा ध्यान दो, क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, 80 नंबर का इनका पेपर होता है, 20 नंबर का इनकी थ्योरी प्रैक्टिकल होता है, तो 80 नंबर में से स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट बहुत भर के इसमें नंबर मिलते हैं, इसमें स्टूडेंट 70+ तक लोग इसमें स्कोर करते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि हफ्ते में 2 बार या फिर महीने में 4-5 बार आप इसको मतलब बिल्कुल निग्लेक्ट ना करें। लोग क्या करते हैं, जनवरी में स्टूडेंट्स जाके कुछ खरीदते हैं, जाके वो जैसे गोल्डन बोलते हैं, गोल्डन स्टूडेंट्स खरीद लेते हैं और उसी में से पढ़ते रहते हैं, तो हम तो समरी करने बस इतना हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है भाई। तो आपके ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश है हिंदी से बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट है ये, क्योंकि और हाँ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही मेरे भाई आपके क्या करते हैं, परसेंटेज को पढ़ाते हैं, क्योंकि
इसमें तो स्टूडेंट तो बहुत ब्रॉड है, पीसीएम और पीसीबी बहुत ब्रॉड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश हिंदी सीएस है, ये स्टूडेंट्स आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप बहुत इजीली इनको समझ सकते हैं, खासतौर से इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे से आप इनको लिख सकते हैं। तो आप इसको समझ गए हैं, और आते हैं स्टूडेंट हम लोग सातवें पॉइंट पे, प्रॉपर रिविजन एंड प्रॉपर राइटिंग। आपको स्टूडेंट हमेशा क्या है, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ लिया, फिर थर्ड से पढ़ लिया, आपने किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ लिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको प्रॉपर रिवीजन करना है। रिवीजन स्टूडेंट कैसे हो सकता है, लिख के हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप सारे टॉपिक्स को लिख के देखें, लेकिन जो जो टॉपिक्स पेपर में आने ही आने, गॉस लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, पोटेंशियल मीटर हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, एसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब टॉपिक स्टूडेंट आते ही आते हैं, और इनको आप क्या करें, प्रॉपर आपकी राइटिंग में आप लिखें। मतलब हम आपसे फिर से कह रहे हैं, जितना स्टूडेंट्स आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे, ठीक। अब स्टूडेंट बात आती है आपके रिवीजन नोट्स की, सुपर शॉर्ट नोट, मतलब कि आपका क्या है कि जैसे आपने कोई चैप्टर 30 पेजेस में कवर किया है, तो आप उसको 3 से 4-5 पेजेस में आप इनको कैसे कवर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़कर पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको अपने खुद पहले दिन से बनाने हैं। और हाँ मेरे भाई, नवा पॉइंट बहुत अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं, डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स, इट विल डिस्ट्रॉय योर फुल प्रिपरेशन, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट विल डिस्ट्रॉय योर फुल माइंडसेट। मतलब कि अगर आपने कभी भी अपने पूरे साल में अगर आपने अपनी प्रिपरेशन किसी से भी कंपेयर करने की कोशिश करी, तो आपको स्टूडेंट बहुत ज्यादा हानि का सामना कर सकता है, और आप बहुत हानि का सामना कर सकते हैं। और मैं सिर्फ ये वीडियो मैं आपको जो भी अपने चैनल पे प्रोवाइड करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैं खुला स्टूडेंट बोलता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट जो अपने फ्यूचर के लिए सीरियस है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ही बताता हूं, बाकी जो है भेड़ों की कमी स्टूडेंट्स नहीं है। तो आप, मैं सिर्फ और सिर्फ आप बिल्कुल बहुत अच्छे से आप भी को समझ सकते हैं कि जब अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी स्टूडेंट थोड़ी सी प्लीज मेहनत करें, ठीक है। मैं सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूं ये वीडियो, ठीक है। मैं निवेदन करता हूं आपसे, जो वाकई में चाहते हैं कि मेरे नंबर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और जो पहले दिन से स्टूडेंट चाहते हैं कि पहले दिन से हम मेहनत करेंगे, तो आपको अपनी कभी भी जो प्रिपरेशन है वो दूसरों से स्टूडेंट कभी कंपेयर नहीं करनी। बाकी आपको स्टूडेंट बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब हम दूसरे से पूछते हैं, कोई दूसरा अलग तरीके से पढ़ रहा होता है, हम स्टूडेंट्स अलग तरीके से पढ़ रहे होते हैं, दूसरा कहता है भाई तुमने ये वाली बुक पढ़ी, हमने ये वाली बुक पढ़ी, और तुम क्या कर रहे हो भाई, अरे हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये तो यार यही पढ़ रहा है, और भाई पेपर हमेशा स्टूडेंट एनसीईआरटी से ही फंसता है, सिलेबस से फंसता है, सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट उठा के रख देते हैं, गॉस गाय तो स्टूडेंट तुरंत उठाकर उड़ा आपको ऐसे रख दिया जाता है, वो तो आना ही आना है, मक्खन सवाल है। तो स्टूडेंट्स आपको एनसीईआरटी पर भी फॉलो करनी है, और भाई डिपेंड किसी भी होना है हमेशा, और हमेशा अपने आप स्टूडेंट्स क्या रखना है, इसी में मैं थोड़ा सा और जोड़ देता हूं, अपने आप स्टूडेंट सेल्फ बिलीव रखना है, अपने आप स्टूडेंट कॉन्फिडेंट रखना है, कि आप कैसे इन सब आप कैसे अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ 10 पॉइंट समझाने की स्टूडेंट कोशिश करी है। बाकी मैंने अपनी जो 2024 का जो स्टूडेंट बोर्ड का पेपर हुआ था, उसके लिए भी मैंने स्टूडेंट बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आपने अगर वो वीडियो चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं, कैसे जो है आपके पेपर में आप कैसे लिखेंगे, वो भी सब मैंने बना रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप देख सकते हैं पहले दिन से, कि कौन कौन से आते हैं, आप उनको नोट स्टूडेंट कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट मैंने बहुत बेहतरीन आपको 10 टिप्स बताई है, ये स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अपने क्लास 12 जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें। और हाँ, जो आपके मैथ्स वगैरह है, मैथ्स का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, मैथ में तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी दो बुक्स है, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू, एक होता है नॉन इंटीग्रेशन और एक होता है इंटीग्रेशन वाले, जो दूसरी किताब है, तो आपको दोनों बस एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, और थोड़ा सा चैप्टर वाइज आप पीवाई को भी कर सकते हैं, लेकिन कोई तरीके से डिपेंड नहीं होना है। तो हाँ, आपको एनसीईआरटी जो है वो आपको बहुत अच्छे से अपनी करनी देगा। मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी स्टूडेंट्स आपको यही काम करना है, केमिस्ट्री में भी आपको दोनों एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी, कौन कौन सी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ठीक। बायो में भी आपको फुल एनसीईआरटी पढ़नी, केमिस्ट्री में भी आपको साइड बुक की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी बहुत टफ लिखा होता है, लेकिन जो आपका केमिस्ट्री है और जो आपका बायो है, वो स्टूडेंट्स आपकी पूरी पूरी एनसीईआरटी जो आपकी दो बुक्स है, केमिस्ट्री में पूरी पूरी स्टूडेंट पूरा डिट्टो छप के आ जाता है पूरा पेपर। मैं निवेदन करता हूं आपसे, अगर आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो निवेदन करता हूं आपसे, केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं बहुत अच्छा आपको एक गाइड, एक ऐसा मोटिवेटर आपको ऐसा टीचर बता रहा हूं, कि जो केमिस्ट्री और बायो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ भाई एनसीईआरटी पढ़े, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़े, बाकी आप फिजिक्स में थोड़ा सा साइड बुक आप कर सकते हैं, बाकी आपको और कोई सब्जेक्ट में अदर रेफरेंस बुक की मेरे भाई कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और बायो को सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी के कंसेप्ट आप रट लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। तो आपको मैंने कुछ 10 पॉइंट्स आपको बताएं, एक बार मेरे भाई कमेंट जरूर करें कि आपको हमारे जो हमने बताया होगा आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसे मैं और वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराता रहूंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, नमस्ते, गॉड ब्लेस ऑल, टाटा, बाय बाय।